तेलंगाना के करीम नगर में वहां के डीएम को मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे दौड़ लगानी पड़ी। कल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सिंचाई परियोजना का मुआयना करने गए थे और इस दौरान चार कारें ही मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल थी और इसी की मंजूरी मिली थी। तो डीएम की कार को मंजूरी नहीं मिली थी, मजबूरन डीएम साहब को सभी कारों के पीछे करीब 300 मीटर तक दौड़ लगानी पड़ी। किसी ने डीएम साहब को लिफ्ट नहीं दी। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री के काफिले में उनकी कार के अलावा बाकी तीन कारें टीआरएस सदस्यों की थी। जिलाधिकारी मुख्यमंत्री कार के पीछे दौड़ लगाते रहे। काफिले में चार कारों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी और उसमें एक कार मुख्यमंत्री की थी, लेकिन डीएम साहब बेचारे क्या करते, मुख्यमंत्री आए थे सो उनकी जी हजूरी करनी थी और वो अपने पद की गरिमा को ताक पर रख दौड़ पड़े मुख्यमंत्री की कार के पीछे। ये दूरी लगभग 300 मीटर की थी, लेकिन डीएम साहब क्या करते, मजबूरी के मारे बेचारे दौड़ते रहे।